मंगलवार को नगर निगम के सभागार में प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के माध्यम से HDFC बैंक द्वारा नगर निगम प्रशासन को हैंड हेल्ड मशीन उपलब्ध कराया गया, जिसका अनावरण महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, उपसभापति जितेंद्र सैनी, ब्रांच मैनेजर HDFC बैंक कैफी रिजवी ने किया। इस मशीन के माध्यम से कर निरीक्षक नगर निगम द्वारा प्राप्त डिमांड लेटर को लेकर करदाता के पास जाएंगे और उनसे पानी का बिल, संपत्ति का बिल और सीवर के बिल की तुरंत वसूली करेंगे। करदाता घर बैठे अपने बिल का भुगतान क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से करके रसीद प्राप्त कर लेंगे। बिल की दूसरी प्रति नगर निगम में सुरक्षित रहेगी, जिसे करदाता कभी भी प्राप्त कर सकता है। कर वसूली मशीन का अनावरण करने के बाद महापौर, नगर आयुक्त और उपसभापति ने कर निरीक्षकों को हैंड हेल्ड मशीन सुपुर्द किया। इस अवसर पर प्रोग्रामर राम किशोर लाल श्रीवास्तव, कर अधिकारी गणेश प्रसाद, जावेद अनवर, ब्रांच मैनेजर HDFC बैंक कैफी रिजवी, मैनेजर सुशील सिंह सहित HDFC बैंक के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, सिस्टम काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या है और आप इस मशीन को एंड्रॉइड बेस मशीन सॉफ्टवेयर पर डेवलप किया गया है। इसमें नगर निगम का एक एंड्रॉइड बेस सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इस मशीन को जैसे आप ऑन करेंगे, ये मशीन GPS नेट के थ्रू काम कर रहा है। आपको अपना हर मशीन का एक कर्मचारी का लॉगिन ID पासवर्ड होगा। जैसे आप अपना लॉगिन और ID पासवर्ड डालेंगे, वो सॉफ्टवेयर खुलकर बाहर आ जाएगा। उसके बाद से इसमें डिस्प्ले होगा कि आप कितने, जो शहर के जितने मोहल्ले हैं मोहल्ले डिस्प्ले होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हम सिविल लाइन में, मेरा मकान नंबर 10 है, आप सिविल लाइन को सेलेक्ट कर लेना। सी आपने दबा दिया, सी से जितने मोहल्ले सब सड़कों पर आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। आप सिविल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। आपने कहा 10 नंबर मकान है, 10 नंबर में मैसेज डालकर सर्च करेंगे, 10 नंबर के जितने मकान होंगे, ABCD करके जितने मकान होंगे, वो सारे उस पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उस व्यक्ति का कौन सा मकान है, 10A है या 10 है, आप उसको सबमिट करेंगे, उसका उसमें दिख जाएगा कितना गिरकर, कितना जलकर, कितना सीवर कर लिया। अब पेमेंट करना है, पेमेंट आपको उसमें लिखा रहेगा, कैश पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट, दो तरह का ऑप्शन होगा। कैश पेमेंट अगर बंदा आपको कैश पैसा देता है, मान लीजिए उसमें 100 PC देगा आपको, उसमें दिख रहा है कि होटल दिखाएगा, गिरकर जलकर सुगर कर, या गिरकर जलकर ही है, गिरकर जलकर दिखाएगा, दोनों मिलकर के 1000 रुपया है। तो आप उसे 1000 रुपये लेकर कैश का जैसे आप कमाएंगे, वो कैश जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद स्लिप निकलेगा, एक स्लिप आप उनको दे देंगे, फिर देंगे और आप रुपये मतलब दबाएंगे, एक स्लिप और निकल जाएगा, जो स्लिप अपने पास रखेंगे आप इस काम लिखेंगे। जैसे वो पैसा आपको मिलेगा, वैसे ही इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, हमारे सर्वर के डाटा में, जो हमारा डाटा जिससे थ्रू ये काम कर रहा है, उसके डाटे में हमारा पैसा चला जाएगा और उसका बैलेंस बाद 0 दिखाई देगा। वो बंदा अगर दोबारा चाहता पेमेंट करना, वो दोबारा पेमेंट, इसमें डुप्लीकेट पेमेंट की ऑप्शन नहीं है। जैसे वो डालेगा डुप्लीकेट लिखेगा ऑलरेडी पेड, वो पेमेंट नहीं कर सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि बहुत से शिकायतें लोग करते हैं कि साहब हमारे शिकायत से मिलती है, ये डिजिटल मशीन है, इसे बड़ी मशीनें नहीं कर सकती। आप देखते भी हो, कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं 25 दिन वाले करके, इसका डाटा हमारे सर्वर पर है। आप कभी भी सर्वर से सर उसका पेमेंट सीट निकाल सकते हैं। आप वो सब बात भी चाहेंगे तो वो सर्वर दिखाई देगा, उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद वो ऑनलाइन पेमेंट चाहते हैं करना, इसमें ATM कार्ड के थ्रू, जो आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड है, एक तरह दो तरह कार्ड होते हैं। एक कार्ड होता है चिप लगा रहता है, चिप लगाने के लिए आप लेकिन दो तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से साइड से आप साइड, जैसे ऑनलाइन ऑप्शन में आप डालेंगे, इसमें दोनों मशीनें, दोनों सेल मशीनें काम करेगा। सबमिट पेमेंट को कर लिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आपने डिटेल लिस्ट निकाला। जब डिटेल लिस्ट निकालेंगे तो उसका मशीन आ जाएगा, उससे मिला हो जाएगा, हमारे डिलीवरी के लिए कंट्रक्शन आ रहा है और कैश से पैसा होगा, हमारे चलाने में काम करेंगे सीट निकाल करके। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे
उसमें एमआर मनी कुछ होता करता है 2.1 करके, इसमें 2% करता है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। जो टैक्स का अमाउंट नेट है, नेट ही एक्चुअल पैसा कटेगा इसमें, अब कोई चार्ज नहीं है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि पब्लिक की कोई बर्डन नहीं। प्रशिक्षण को अच्छी तरह से ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सावधानी पूर्वक काम करिएगा। पहले पेंट हो जाइए, देख लीजिए किसी को एक बार मैंने समझ में आया, दो बार मैंने समझ में आया हो, यदि अपने बैंक के लोग हैं इनको टाइम दे रहे हैं बराबर, तो अच्छी तरह देख लीजिए। है कुछ नहीं है, मोबाइल कितना है, जैसे एक बार मोबाइल लगाया रेलवे कुछ बना लिया एक वही बना कर रहा है, एक स्मार्टफोन कितना है बोला, इस पर ऐप है और आप जो है उस ऐप पर जाकर सारा काम कर लेंगे। ऐप हमारा जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा शुरुआत में ही दिक्कत होती है। आप सब लोग करीब नए पीढ़ी के लोग हैं, सब स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन का यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझिएगा, इसकी टेक्निकलिटी समझिएगा, तो ये मेरा वादा है आपसे कि ये इतनी इजी चीज है कि आपको इसके अलावा कहीं कोई ऑप्शन की कोई जरूरत पड़ेगी। जी विश्वसनीयता बढ़ाई है और समय आज नगर निगम कोई सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार की नीति रही है कि पूरे भारत को डिजिटल इंडिया के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, उसी के तहत पारदर्शी व्यवस्था हमारे नगर सोचित सम्मेलन के तहत एस टी एस सी बोर्ड से अपना समझौता किया। आप आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं, इससे सॉफ्टवेयर उन्हें से जुड़ा हुआ है, एक पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है। पेपरलेस बहुत मतलब पेपरलेस है, आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, बहुत छोटी सी एक तस्वीर आपको मिल जाती है और आपका पैसा जो देते हैं आए दिन जो अनियमितताएँ और पैसा अकाउंट में नहीं जमा होने की शिकायतें आती रहती हैं, इस पर विराम लगेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ हम नगर निगम के टैक्स वसूल पाएंगे। और साथ साथ एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत हद तक हमें कैश ट्रांजेक्शन से सिक्योर होंगे, पैसा आने आने ले जाने में जो आसान दिक्कतें हो रही हैं उस पर भी बहुत हद तक विराम लगेगा। हालांकि इसमें कैश पेमेंट लेने की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा HDFC बैंक के सहयोग से ये हैंडहेड मशीनों की शुरुआत की जा रही है। इसमें नगर निगम के विभिन्न प्रकार के कर, चाहे वो संपत्ति कर हो, चाहे वाटर टैक्स हो या सीवर टैक्स हो, कोई भी व्यक्ति सीधे इस मशीन के माध्यम से कार्ड स्वेप करके अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने कर का भुगतान नगर निगम के पक्ष में कर सकता है। इससे उसके मोहल्ले में ही कैशलेस भुगतान की उसको सुविधा मिल रही है, वो अनावश्यक रूप से नगर निगम कार्यालय तक आने से बच सकेगा। बैंक से जा कर के वहाँ कैश निकालना और फिर कैश ला करके यहाँ जमा कराना, इसकी परेशानी से बच सकेगा। सीधे वो स्वीप कार्ड के जरिए अथवा ATM डेबिट कार्ड के जरिए वो अपना भुगतान नगर निगम में कर सकता है। इसकी रसीद मौके पे जितना भी उसने भुगतान किया है उसको रसीद मशीन प्रदर्शित करेगी और रसीद की एक कॉपी उसको दे दी जाएगी, दूसरी कॉपी नगर निगम के रिकॉर्ड में सुरक्षित कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत और ट्रांसपेरेंसी कार्यालयों में इससे बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने करों का पूरा भुगतान हमारे सर्वर पे इसको देख सकता है, उसके रसीद का रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा। यदि उसकी रसीद कभी खो भी जाती है तो भी हमारे पास उसका डाटा उपलब्ध रहेगा, वहाँ से वो जब चाहेगा उस डाटा को देख सकेगा। इससे किसी प्रकार के जो है धोखाधड़ी से वो बच सकेगा और
मौके पे ही वो अपने विभिन्न प्रकार के करों को जमा कराएगा और नगर निगम की भी आय में वृद्धि होगी। हम अपने टैक्स को अच्छी तरीके से वसूल करके समय से अपने प्राप्ति कर सकेंगे। इसके माध्यम से नगर निगम ने अपने आधुनिकीकरण के कार्य को एक कदम आगे बढ़ाया है। हम HDFC बैंक के भी सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्य में इस मशीनों को प्रदान करके हमें निशुल्क अपनी तरफ से प्रदान करके सहूलियत दिया है। और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम बैंक के साथ मिल करके यहाँ पर डिजिटाइजेशन के कार्य को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। शीघ्र ही हम लाइसेंस और टैक्सेशन के विभिन्न प्रकार के शुल्कों को भी ऑनलाइन कराने की दिशा में एक पहल करेंगे कि ताकि हमारे रेंट से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित, साथ ही साथ जो हमारा सैनिटेशन से संबंधित कार्य है, नागरिकों की सैलरी हैं RTGS के माध्यम से उनके खातों में जो जा रही हैं वो समय से पहुंच जाएं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भी हम पेरोल के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी यदि एब्सेंट होता है तो सीधे उसकी तनख्वाह कंप्यूटर पर कट जाया करेगी यदि उसके बायोमेट्रिक अटेंडेंस उस मशीन में नहीं आएंगे। तो इससे निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम नागरिकों को एक बेहतर सर्विस उपलब्ध डिलीवर कर सकेंगे और गुड गवर्नेंस की दिशा में हम एक बेहतर कदम उठा सकेंगे। धन्यवाद।